Hi, Sukhinder ji. Yes, hi. I'm Richa. Richa, editor, Sunny speak. Hi, Richa. Hi, how are you? Yeah, same to you, sir. And हमने teaser देखा and we are loving it totally. So, yeah, और आपकी आवाज के तो सर हम सब बहुत कायल हैं, तो हम जानना चाहेंगे आपका इस गाने के ऊपर particularly working experience. Actually, what I believe to say कि मतलब I'm very much nation oriented, humanity oriented person. Okay. I love my country, and when I go abroad, when I do concert on a stage, जब स्टेज पे जाता हूँ उस वक्त भी मुझे यही लगता है कि यहाँ लोग मेरी अच्छी सिंगिंग के अलावा मेरा मैनरिज्म, मेरा एटिकेट, मेरा व्यवहार, बिहेवियर सब नोटिस करेंगे. और क्योंकि मेरे यहाँ अब्रॉड में ऑडियंस में वहाँ के ओरिजिन्स भी आते हैं, चाहे वो यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, बिकॉज ऑफ नॉट इवन बिकॉज ऑफ जेहो, सम अदर 5 सॉन्ग्स आई हैव सॉन्ग इन हॉलीवुड मूवीज, सो ऑल ऑफ देम दे कम. ओके. सो वहाँ से वो भारत के लोगों की, भारत के कल्चर की, भारत के स्पेसिस की पहचान करते हैं. तो इसलिए मैं मतलब कहना चाहता कि उस हद तक इतना इन डीप मैं नेशन के लिए केयर करता हूँ. और ऐसे कई हजारों लोग भी हैं जो दे डू द थिंग. तो व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी तो मुझे मेरे में वही जज्बा, वही पैशन, वही शिद्दत और वही जुनून. और वो व्हेन द शूटिंग स्टार्टेड एंड आवर फैबुलस डायरेक्टर भारत बाला, तो सेड ऐसा लगता कि मैं तुमको क्या बताऊं, व्हाट यू हैव टू डू. तुम्हारे नस में वो बात आ रही है देशभक्ति की, वो ह्यूमैनिटी की, गुड ह्यूमैनिटी की बात आ रही है. तो ये देश है वीर जवानों का, अंग्रेजों का, नुकसान का. ब्यूटीफुली कंपोज बाय विक्रम ऑल्सो, तो ही डिड अ स्टूपिड. तो आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इट्स लाइक फैंटास्टिक. तो और कितने सर इसमें? एक और पर्सन है जी, इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, वो है राम शंकर, म्यूजिक डायरेक्टर. जी तो हालांकि मेरे को लिरिसिस्ट का नाम नहीं याद आ रहा, क्योंकि ये पूरे का पूरा गाना अडॉप्ट भी किया गया है, इसको नया लिखा भी गया है. एनी वे, ये मेरी आदत है कि जिन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया है वी शुड मेंशन एवरीबॉडीज नेम. सर तो ये वाला जो हमारा कन्वर्सेशन है ये मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स भी सुनेंगे, क्योंकि आई पुट दिस ऑन माई यूट्यूब चैनल एज वेल. तो मैं चाहती हूँ और कुछ क्वेश्चन पूछने से पहले आप एक बार मेरे देश की धरती हमारे उस ऑडियंस को सुना दीजिए अपनी प्यारी सी सुरीली आवाज में. प्लीज. मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, वो मेरे देश की धरती. जय हिंद एवरीवन. दोस्तों मैं आपका अपना सुखविंदर सिंह, आप सबको 74th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. ये वो दिन है जहां हम सबको मिलके उन शहीदों को याद करना है, उनको श्रद्धांजलि देनी है जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी जवानियां, अपना हर शौक, अपना हर चस्का देश पे कुर्बान कर दिया. वी मस्ट सल्यूट टू देम. मैं पर्सनली उनकी वैसे ही पूजा करता हूँ जैसे सन ऑफ गॉड, किसी संत महात्मा, किसी पीर बने की पूजा करता हूँ. मैं भी उनका नाम वैसे ही जपता हूँ. क्या बात है सर, आपके दिल के करीब आपने अब तक इतने सारे सुपरहिट गाने गाए हैं, आपके दिल के करीब ऐसा कोई गाना और उसके पीछे छुपा कोई खास कारण क्या हम जान सकते हैं सर? बागीचे में आप किस फूल को कहेंगे कि ये सबसे बेहतर है और दूसरा सबसे खराब है? आई नो सर, आई नो. सही. खुशबू तो हर फूल से आती है. छोटा सा, सबसे छोटा माइक्रो फ्लावर आल्सो हैज गॉट अट्रैक्शन ऑफ कलर एंड फ्रेग्रेंस ऑफ इट. इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट ऑन वन पर्टिकुलर सॉन्ग दैट विच आई हैव सन द बेस्ट वन. आपके कोई गुरु है या आपने किसी को अपना आइडियल माना था जब आपने अपने करियर की शुरुआत करी थी, तो किसी को ध्यान में रखे या ऐसा कुछ शुरू किया था आपने?
मैंने शुरुआत में श्री बलवंत राय कसवाल की माननीय आदरणीय उनके साथ मैंने गुरु परंपरा के तहत शुरू किया था। तो वहाँ पर मैं एक हफ्ता उनके साथ मैं रहा भी घर पे उनके, और एक हफ्ते की जो शिक्षा है वो भी मेरे लिए सदियों तक की शिक्षा थी। और उसके बाद मैं अपनी यात्रा पे निकल गया, बिकॉज आई वॉज देयर इन लेस्टरशायर इन इंग्लैंड। एंड उसके बाद ये है कि कई तरह के कलर्स मैंने अडॉप्ट किए हैं और अभी भी सीखता ही हूँ, क्योंकि मुझे मजा आता है। और उसमें कई प्रकार के मेरे वो अनसंग हीरो, वो अनसंग गुरु हैं जिनको मैंने जिनके ऑडियो सुने, जिनके मैंने बचपन में कॉन्सर्ट्स देखे, जिनमें कई म्यूजिशियंस हैं, कई वोकलिस्ट हैं और कई ऐसी पर्सनैलिटी है जो म्यूजिक से नहीं है, वो अलग अलग हैं। जैसे मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर रहता हूँ, उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रहता हूँ, इसलिए कि वो उनका उनका जीवन शैली बहुत लो प्रोफाइल थी बट उनकी सोच बहुत ऊंची थी। ये तरीका मैंने अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस में डाल दिया, अपने जीवन शैली में डाल दिया। ऐसी कई पर्सनैलिटी है। अब्दुल कलाम साहब जब मेरे को जयपुर में 10th जनपथ रोड जयपुर में भी है, वहाँ भी गेट पे ऑफ इंडिया है, शहीदों का स्मारक है, वहाँ जब मैंने परफॉर्म किया, आर्मी बैंड के साथ मैंने परफॉर्म किया, तो उस वक्त हमारे माननीय हमारे आदरणीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने मुझे स्टेज पे बुलाया, आमंत्रित किया, मुझे अपनी गोद में बिठा लिया और तकरीबन 15 मिनट मेरे से बात की। उस दौरान उन्होंने अपने एक्सपीरियंस जो शेयर किए बीइंग अ साइंटिस्ट, उन्होंने कंसिस्टेंस के बारे में बात की, सहनशीलता के बारे में बात की। तो वो उस तरह की पर्सनैलिटी भी मैं अपना प्रिय गुरु मानता हूँ। एक छोटे से बच्चे ने एक ऐसी बात कह दी ऐसी, तो उनसे भी शिक्षा मिलती है। तो कई चार सारे कई ऐसे रोशन कंटेंट हैं जहाँ से मुझे सबक मिलता है। आई अडॉप्ट इट और मुझे लगता है कि जिसके अंदर ईगो नहीं होती, जिसके अंदर घमंड नहीं होता, वो सीख जल्दी लेता है। सर, जब से आपने शुरुआत करी, अब हम कॉम्पिटिशन वर्ड तो नहीं बोलेंगे, बट आपके साथ बहुत से सिंगर्स हैं जो गाने गाते थे, ऐसा कोई खास सिंगर जिससे आपको लगाओ कि बहुत अच्छा, बहुत बेहतर गाता है, ऐसा कोई है? आप कभी कुछ लगा ऐसा कि इसके साथ मेरा मतलब एक सॉलिड टक्कर है या बहुत अच्छा गाना गाता है, ऐसा कोई है आपके दिमाग में नाम, ऐसा कोई सिंगर? क्योंकि आपका प्रश्न, आपका क्वेश्चन और उत्तर, आप उत्तर भी खुद दे रहे हैं, क्वेश्चन भी खुद कर रहे हैं। शुरुआत आपने की कि मैं कंपटीशन तो नहीं कह सकती, और एंड में आपने कहा कि आपकी टक्कर का ये है, मतलब कंपटीशन नहीं बोलूंगी, बट आपको ऐसा लगता था कि ये बहुत अच्छा गाना है, ऐसा कुछ कभी? एक बात बताइए, मैंने थोड़ी देर पहले आपके बागीचे की एग्जाम्पल दी थी। बागीचे का मतलब होता गार्डन, फूलों से भरा, कलियों से भरा हुआ, पेड़ पौधों से भरा हुआ। तो उनमें से किसी के अंदर कंपटीशन की भावना नहीं होती, क्योंकि हर किसी की महक जो है उसकी अपनी अट्रैक्शन होती है, चाहे वो सूरजमुखी जैसा बड़ा फूल हो, चाहे वो गुलाब जैसा रंगीन मिजाज का फूल हो, या फिर छोटा सा राम क्या वो रात की कली का भी बोलता है, क्योंकि हर किसी की अपनी अट्रैक्शन होती है। एंड बेसिकली आई बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन की दुनिया का प्राणी हूँ मैं, और मनोरंजन अगर मेरे अंदर नहीं होगा तो मैं दूसरों का मनोरंजन कर भी नहीं पाऊंगा। तो जो जिसके अंदर मनोरंजन होगा उसके अंदर कंपटीशन, अग्रेशन, इनसिक्योरिटी नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। अगर है तो फिर उसके अंदर का कलाकार जो है उसके मन में, उसके दिल में, उसकी सोल में मनोरंजन नहीं है। तो मैंने इस नजरिए से दुनिया को ही नहीं देखा, कला के जगत को तो छोड़िए, दुनिया को ही नहीं देखा। वैसे मेरे फेवरेट बहुत से लोग हैं, विटनी ह्यूस्टन है, मैं एल्विस को मैं बहुत पसंद करता हूँ, जगत की सबसे खूबसूरत आवाज, इस ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत आवाज लता जी, और एक अपने आप को सेल्फ मेड उसी घर के अंदर बनाने वाली आशा जी, किशोर दा जैसा
रंजीत मिराज गाने का, रफी साहब जैसा एथॉट, सो इतने ऐसे लोग हैं जिनको मैं बहुत अडोर करता हूँ। बिल्कुल, क्या बात है। और मेरे पसंद के लोग हैं। और सब रिसेंटली जो मैंने शकीरा, ब्रिटनी स्पीयर्स, लेडी गागा, आई फाउंड देम वेरी सेक्सी, वेरी रोमांटिक, वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी। आई डू लाइक देम आल्सो वेरी मच। तो सर, मैं लास्ट क्वेश्चन टू यू कि अभी जैसा कि एटमॉस्फेयर चल रहा है, बहुत डिप्रेसिव फेज है, पैंडेमिक है, लोग घर में हैं, काफी कुछ सुसाइडल टेंडेंसीज हो रही है, आप ऐसे लोगों को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे, अपनी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, इस ये जब से स्पेशली कोरोना का जी, अगर मैं बात कर सकता हूँ कोरोना की, कोरोना से पहले का अगर किसी में डिप्रेशन है तो वो अग्रेशन की वजह से हो सकता है। हाँ, क्योंकि अगर आप हम जब खाना खाते हैं तो उस वक्त हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी नियत भरनी चाहिए, हम पेट भरने के चक्कर में ना रहें। तो नियत जो है वो एक निवाले से भी भर जाती है। आज ये जिंदगी पे भी ये फलसफा काम करता है। तो कोरोना के दौरान की जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, ये वाकई में बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रही है। इसमें जितना आप अपने मन को शांत रखें, और उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोई बहुत छोटी से छोटी भी अगर कोई किसी की मदद कर सकता है तो जरूर करे। और जरूरी नहीं कि उसके लिए आप अपनी फोटो खिंचवाए और आप सोचे कि ये भी अखबारों में आनी चाहिए। मैं भी सोनू सूद जैसा बनना चाहता हूँ, उसके मत रहिए। सोनू सूद ने भी कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया कि मेरी फोटो छपे तो मैं करूँगा। यहाँ आप जितनी छोटी से छोटी मदद कर सकते किसी की करिए। इस वक्त लोगों को पैसे से ज्यादा उनकी मानसिकता को आप खुश महक दीजिए। अपने इस वक्त सो कॉल्ड जो अपने आपको बड़े इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट समझते हैं, कहाँ है वो? अभी उनको अपना जहन जो है, अपनी जो नेचर है, जो अपनी एजुकेशन है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके अलावा कोई मटेरियलिस्टिक भी मदद कर सकते हैं किसी की करिए। और जो सब कुछ होते हुए भी अगर डिप्रेशन में है तो वो अग्रेशन की वजह से, और कुछ अग्रेशन, कंपटीशन और ग्रीड की वजह से, अगर सब कुछ होते हुए भी अगर कोई डिप्रेशन में है। लेकिन अगर वाकई किसी के पास सब कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें भी खत्म हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, अगर हम उसके, रुकिए जरा मुझे बात करने दीजिए, अगर उसकी अगर तरीके से हम लोग मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बोली है। तो आप सब लोगों को भारत के इंडिपेंडेंस डे की, भारत जो कि इसका ओरिजिनल नाम है, इंडिया नाम जो है वो गिवन है जी। वो ब्रिटेन ने दिया, इंडिया नाम गिवन है लेकिन भारत ही इसका नाम है, हिंदुस्तान भी नाम है। और यहाँ के लोग जो है, यहाँ के हर रहने वाला प्राणी, उनमें से कोई भी प्रवासी नहीं है। ये मेरा संदेश मीडिया के लोगों को है कि इस देश के रहने वाले, दूसरे प्रांत से दूसरे प्रांत में रहने वाला व्यक्ति जो है वो प्रवासी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप हिंदी अच्छी तरह से समझते हैं तो आप डिक्शनरी खोलिए और उसमें गूगल में जाइए, मतलब पूछिए कि प्रवासी का मतलब क्या होता, तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब विदेशी होता है। जी बिल्कुल, और अच्छी बात। और आप बिहार के लोग हों, यूपी, महाराष्ट्र, कहीं का कोई जहाँ को कहीं दूसरी जगह रहते हैं, उसको बड़े चिल्ला चिल्ला के बड़े बड़े अक्षरों में प्रवासी लिखा जाता है, उसके लिए थोड़ा आप अपने एजुकेशनल ग्रोथ को बढ़ाइए। बड़े बड़े अक्षरों में प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, रेडियो हो, टीवी हो, सोशल हो, उसको प्रवासी लिखते समय हमें खुद को थोड़ा अपनी जुबान का लिहाज रखना चाहिए कि वो कैसे प्रवासी हो सकते हैं। प्रवासी पक्षी आते हैं रशिया से, साइबेरिया में, जो पिछले 30 सालों से बंद हो गए थे पॉल्यूशन की वजह से, वो इस बार थोड़ा सा दिखाई दिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। भारत माता की जय। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। टेक केयर।